बस्ती में समाजवादी पार्टी पीडीए पखवाड़ा जनपंचायत कार्यक्रम चरणबद्ध ढंग से जारी है। रुधौली विधानसभा क्षेत्र के चमनगंज और हरैया विधानसभा क्षेत्र के कैथवलिया में आयोजित कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने कहा कि अंतरिम बजट में देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों के साथ धोखा हुआ। भाजपा पूंजीपतियों की हितैषी है और विपक्ष विहीन सरकार चलाना चाहती है। कहा कि भाजपा की सरकार में लोकतांत्रिक आवाजों को सत्ता के चाबुक से कुचला जा रहा है, किंतु देश के मतदाता मोदी के ईडी सीबीआई ने नहीं डरती। वक्त आने पर वे अपने मत की ताकत से अहंकारी भाजपा को करारी शिकस्त देगी। इसके लिए अभी भी कमर कस ले। आगामी लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं पर लोकतंत्र और संविधान बचाने की बड़ी जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने कहा कि महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। दवाई पढ़ाई महंगी हो गई है और थाना तहसीलों में गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही। नौजवान सरकारी नौकरियों के उम्मीद में अपनी आयु सीमा पूरी करते जा रहे हैं। ऐसे विकट समय में समाजवादी पार्टी की जीत से ही विकास और विश्वास का द्वार खुलेगा। कहा कि मतदाता अपने अधिकारियों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ अन्याय के विरुद्ध मुखर संघर्ष करें। पीडीए पखवाड़ा जनपंचायत कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के विधायक राजेंद्र चौधरी कप्तानगंज विधानसभा के विधानसभा कविंद्र चौधरी उर्फ अतुल चौधरी के साथ ही समाजवादी पार्टी के अनेक नेताओं ने कहा कि भाजपा की सरकार हार के भय से डर गई है और दमन पर उतर आई है, किंतु उनके मंसूबों को मतदाताओं की एकजुटता ध्वस्त कर देगी। बस्ती लोकसभा में सपा गठबंधन की ताकत से जीत का रिकॉर्ड बनाएगी, तो स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोहम्मद उमर, धीर सेन, निषाद, प्रमोद यादव, आर डी गोस्वामी, जितेंद्र यादव, संजय चौधरी, प्रशांत यादव, प्रवीण पाठक, कौशलेंद्र सिंह, राम तीरथ यादव, अमित यादव, अजीत यादव, रेणु सिंह, दिनेश तिवारी, श्याम सुंदर यादव, राजीव सिंह, गुलाम गौस, अरविंद यादव, सरोज यादव, कुलदीप श्रीवास्तव, नरसिंह यादव, राजेश यादव, राजेंद्र यादव के साथ ही सपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।